हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। तो उसके लिए हमने 250 ग्राम पालक अच्छे से धो लिया है। इसमें हम टमाटर, प्याज, अदरक और हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल करके एक सीटी आने तक इसको पका लेंगे। और तब तक हम इसमें का मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल करके इसको भिगो के साइड में रख लेंगे। पालक भी पक गया है। अब हमें कढ़ाई में तेल, जीरा, हींग और तेज़पत्ता, थोड़ा सा लहसुन की कुछ कलियाँ हमने डाल ली हैं, उसको भी ब्राउन होने तक पका लेंगे। लहसुन का कलर चेंज हो गया, अब हम इसमें मसाला डाल लेंगे और इसको भी पका लेंगे। और पालक को हम पीसेंगे। उसमें हमने 4 से 5 काजू डाल दिए और पालक को पीस लिया है। इधर मसाला भी पक के तैयार हो गया है। अब इसमें हम पालक की प्यूरी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 2 मिनट तक ढक करके इसको पका लेंगे। इसमें हमने 1 चम्मच घी भी डाला है। घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे और 2 मिनट तक ढक करके इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। पनीर बनके तैयार हो गई है। इसमें हम 2 चम्मच मलाई भी डालेंगे और हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।